भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। चैत्र नवरात्रि 2022 आज से शुरू हो गए हैं। देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ में 2 साल बाद श्रद्धालु बिना रोक टोक व बंदिशों के दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। कोरोना बंदिशें हटने के बाद मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि सुनने को मिल रही है। वहीं अब मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जाएगा और भजन व कीर्तन किए जा रहे हैं। शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी पहले नवरात्र को श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में माता के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि कोरोना काल के लगभग 2 साल बाद अब लोग बेरोक टोक माता के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस बार मंदिर में भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह अन्य त्योहारों को मनाया जाता है, उसी तरह नवरात्रों में मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सभी इन नवरात्रों में अपने प्रदेश व देश की उन्नति व शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें। देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप चैनल परिवार को सभी को शत शत नमन है और माँ के आशीर्वाद से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से सभी न्यूज कवर करते हैं, मतलब जान को जोखिम में डालकर न्यूज को इकट्ठे करते हैं, इसलिए पहले आप लोगों की भी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तो माँ के आशीर्वाद से आप लोग स्वस्थ रहे, ठीक रहे, आपके परिवार रिश्तेदार सभी स्वस्थ रहे। और हाँ, जाहिर सी बात है, 2 साल से ये कोरोना की वजह से लोग बिल्कुल विलान थे, सड़क में बिल्कुल सुनसान थे। सरकार के वजह से जो टाइम दिया गया था, उसके वजह से लोग टाइम के समय के अंदर अंदर लोग बाजार हो जो भी आपको तो नेसेसरी जो गुड्स है लेके। पहला नवरात्र है, किस देवी की आज के दिन पूजा की जाती है? आज जो नवरात्रि जो है, नवरात्रि के माँ दुर्गा के 9 रूप है। 9 रूप में से जो पहला रूप नव दुर्गा के जो शैलपुत्री के नाम से माना जाता है, हिमालय कन्या जो है, इन हिमालय कन्या के रूप में पैदा हुए थे और ये शैलपुत्री हिमालय राज्य की कन्या है, शैलपुत्री, और ये पहला रूप है और ये दिव्य और दक्ष प्रजापति जी की कन्या है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।